Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the chapter evaporation. So today we will study about the evaporating still. For my previous video on the chapter evaporation, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the evaporating still. So basically evaporating still जो रहता है आपका एक जैकेटेड evaporating pan बोलते हैं इसको, जो कि एक सिलेंड्रिकल कवर रहता है. बेसिकली इसको कंडेंसर से कनेक्ट किया जाता है. ये ओवरऑल जो असेंबली रहती है इसको आप स्टील बोलते हो, और इसका जो कवर रहता है इज क्लैम्प्ड विद द इवोपरेटिंग पैन एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सो इट इज कॉल्ड एज द इवोपरेटिंग स्टील. बेसिकली दिस इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज द इवोपरेटिंग स्टील. सो यहाँ पर आपका एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर जो है आपका जैकेटेड सिलेंडर है जिसके थ्रू आप स्टीम पास करवाते हो, और इट इज़ कनेक्टेड विथ द कंडेंसर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस इवोपरेटिंग स्टील. सो जो भी लिक्विड है आपका इसमें डाइल्यूट लिक्विड जिसको भी इवोपरेट करवाना है, तो यू हैव टू फील दिस लिक्विड इनटू दिस सिलेंडर और इसको क्लैम्प से कवर कर देते हैं. उसके बाद में स्टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम दिस साइड. You can introduce the steam. So with the help of steam, this cylinder get heated due to the method of conduction, and then the liquid filled into this cylinder got heated due to the convection current. फिर इसके बाद में जब कन्वेक्शन करंट से ये लिक्विड पूरा हीट होता है तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जो वेपर जो रहती है पास होती है इस क्लैम्प के थ्रू, एंड देन इट गोज़ टू द कंडेंसर. तो जो भी वेपर के फॉर्म में लिक्विड इवोपरेट हो रहा है तो उसको रिकवर कर लिया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ कंडेंसर, और जो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट रहता है उसको यू कैन कलेक्ट इस फ्रॉम दिस आउटलेट. और जो भी वे स्टीम यहाँ पर कंडेंस होती है तो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम दिस आउटलेट. सो दीज आर द वर्किंग ऑफ द इवोपरेटिंग स्टील. Now let's talk about the advantages of this evaporating steel. तो it is easy to clean and maintain. आप जैसे कि देख सकते हो कि बहुत ही ईजी सा वो इसका कंस्ट्रक्शन है, तो आप ईजिली इसको क्लीन और मेंटेन कर सकते हो. और अलाउ द इक्विपमेंट टू बी यूज फॉर द सॉल्वेंट अदर देन वाटर. वाटर के अलावा भी दूसरे भी सॉल्वेंट को यू कैन हीट और सेपरेट, दैट इज़ द इथेनॉल. और डिसएडवांटेजेस होते हैं बेसिकली कि ऑल द लिक्विड इज़ हीटेड ऑल द टाइम. तो पूरा जो लिक्विड रहता है इसमें जो भी फील है वो पूरे टाइम हीट होता रहता है, तो डिग्रेडेशन होने के चांसेस होते हैं. और हीटिंग सरफेस जो है बहुत ही लिमिटेड होती है इसकी. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.